नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आर्कटिक पर आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। इस समय हम लोग आर्कटिक महासागर में ग्रीनलैंड के पास है और यहाँ इस जहाज पर आर्कटिक सनराइज जो ग्रीन पीस का जहाज है, इस पर कई वैज्ञानिक हैं जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ग्लेशियर इतनी जल्दी पिघल रहे हैं और इसका क्या असर होगा भारत पर और दुनिया भर में। मैं धरती के उस छोर पर खड़ा हूं जिसके आगे कोई इंसानी हलचल नहीं है। ये बर्फ की वो सर्द और सख्त दुनिया है जहां सिर्फ हाड़ कपा देने वाली ठंड और नीली सफेद बर्फ का बेहिसाब विस्तार है। जहां तक नजर जाएगी सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक यहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और ये वो जगह है जहां से उत्तरी ध्रुव की शुरुआत होती है और बर्फ के इसी अंतहीन विस्तार में अब तक सलामत थी दुनिया की हिफाजत। जब तक इस सफेद दुनिया पर कोई खतरा नहीं था, हम इंसानों की दुनिया भी महफूज थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है और इसका अंदाजा समूची धरती पर सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है। इसीलिए मैं यहां आया हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि इस बेहद खूबसूरत सफेद दुनिया की कोख को चीरकर कैसे बाहर निकल रही है धरती की नीली मौत। आप अब जरा नीचे बहती इस नीली नदी को देखिए। हम जरा नीचे आते हैं और अब फिर गौर कीजिए इस नदी पर। आर्कटिक पर यह नीली नदी पानी का सिलसिला नहीं, धरती की दुश्मन है ये। ये क्यों और कैसे हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अब आर्कटिक में इस जगह पर खड़ा होकर मैं साफ साफ देख सकता हूं कि यहां हर वक्त पिघल रही बर्फ और तेज रफ्तार नदी मौत बनकर हजारों हजार मील दूर मुंबई और सुंदरवन जैसे कई तटीय शहरों और टापुओं को लीलने जा रही है। अगर आप ये जानना चाहें कि ये जगह कहां है तो सुनिए, यहां तक पहुंचने के लिए मैं पहले दिल्ली से फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी पहुंचा और फिर वहां से आइसलैंड की राजधानी रिक्यावेक। लगभग 10,000 किलोमीटर के इस सफर के दूसरे दौर में मैं रिक्यावेक से ग्रीनलैंड के कुलुसुक एयरपोर्ट पहुंचा और फिर यहां से एयर ग्रीनलैंड के एक हेलीकॉप्टर के जरिए उत्तर में धरती के सबसे आखिरी गांव तसीलाक। आर्कटिक महासागर के तट पर बसे इस अलसाए से गांव में हमारी मुलाकात हुई ग्रीन पीस के साथ काम करने वाले वैज्ञानिकों से। दुनिया पर मंडराते सबसे बड़े खतरे पर सालों से रिसर्च कर रही इस टीम ने हमें जो बताया और दिखाया वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। यहां एक ऐसा खतरा है जो इस बर्फीले रेगिस्तान की कोख में बेहद
खामोशी से पल रहा है। मैं इस हेलहेम ग्लेशियर पर खड़े होकर उस खतरे की बेताबी को साफ साफ सुन सकता हूं। जी हां, धरती के उस आखिरी छोर पर से मैं जो कुछ देखकर लौटा हूं उसकी डरावनी गूंज अब भी मेरे जहन में है। सफेद बर्फ के बीच बहती एक नीली नदी, देखने में बेहद खूबसूरत, लेकिन जब मैंने हकीकत को जाना तो ऐसा लगा कि यह नदी आर्कटिक का सीना चीर कर बह रही है और तैयार कर रही है धरती के तबाही का नया रास्ता। नीचे बर्फ की दुनिया आपको दिख रही होगी और इसी सफेद चादर पर जो नीली पट्टी नजर आ रही है, दरअसल वो नदी है। जी हाँ, नदी जिसे अब आप करीब से देखिए। ये तय है कि शांत और खूबसूरत दरिया आपकी आंखों को सुकून दे रहा हो। लेकिन सच ये है कि इससे होकर दुनिया की तबाही बह रही है। इस नदी को बर्फ की दुनिया में यानी उत्तरी ध्रुव पर होना नहीं चाहिए। यहां तो सिर्फ और सिर्फ बर्फ के पहाड़, चट्टान और चादरें होनी चाहिए। जब तक ऐसा था तब तक दुनिया सुरक्षित थी, लेकिन जैसे जैसे ये नदी बनती और बढ़ती गई, धरती पर खतरा बढ़ने लगा। क्या है इस नदी का राज और क्यों है ये धरती के लिए अभिशाप, ये तो हम आपको बताएंगे जरूर। लेकिन इससे पहले आप जरा कुछ तस्वीरों को गौर से देखिए। यह है तुर्की के इस्तांबुल में आया सैलाब और यह है तबाही की वो तस्वीर जिसमें ताइवान का शहर पल भर में तबाह हो गया। यह आग ग्रीस की राजधानी एथेंस के वजूद पर खतरा बनी हुई है और यह आग ऑस्ट्रेलिया के जंगलों और पहाड़ों को खा रही है। कुदरत का ऐसा कहर दुनिया को दहला रहा है और इस सब की जड़ में है ये नदी, आर्कटिक के सीने पर सांप की तरह लोटती ये नीली नदी। इस समय हम ग्रीनलैंड में आर्कटिक आइस शीट पर खड़े हैं। ये दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। यहाँ पर वैज्ञानिक एक बड़ा परीक्षण भी कर रहे हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हेलहेम ग्लेशियर है ग्रीनलैंड का, ये इतनी तेजी से आखिर क्यों पिघल रहा है। देखिए उसका ये उदाहरण, ग्लेशियर पर नदी बन गई है और ये नदी सीधा आगे जा रही है। ये पानी समुद्र में मिल रहा है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। दरअसल इसकी पैदाइश की वजह है दुनिया का लगातार बढ़ता तापमान। हम इंसानों ने अपनी खातिर पर्यावरण पर खतरा इतना बढ़ा दिया है कि धरती का तापमान बढ़ने लगा और वो गर्मी धरती के इस सिरे तक आ पहुंची। नतीजा ये हुआ कि ग्लेशियर पिघलने लगे और तेजी से पिघलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटी धारा निकली और फिर ये लगातार बड़ी होती गई। आज वो छोटी धारा एक लंबी नदी बन गई है। ये नदी अब यहां की बर्फ को ऊपर से खाती है, नीचे तक जाकर जड़ से तोड़ती है।
और बर्फ के टुकड़ों को समंदर में धकेल धकेल अपनी ताकत का खौफ पैदा करती है। अब ये नीली नदी वाकई खौफ बन चुकी है। अगर हम अब भी ना चेते और पर्यावरण की फिक्र नहीं की तो फिर इसकी शक्ल और खौफनाक हो जाएगी। यहां से बर्फ तेजी से पिघलती जाएगी, समंदर का पानी उठता जाएगा और धरती आहिस्ता आहिस्ता डूबती जाएगी। आर्कटिक महासागर से गौरव सावंत आज तक। ग्रीनपीस के जहाज आर्कटिक सनराइज पर मैंने एक हफ्ता गुजारा और इस दौरान मैंने बर्फ की उस नीली सफेद चादर के नीचे धरती की मौत को पैदा होते देखा, उसे तेजी से बढ़ते देखा। लाखों साल तक जमे रहने के बाद आर्कटिक के ग्लेशियर जिस तेजी से समंदर में विलीन हो रहे हैं वो वाकई डरा देने वाला मंजर है। सफेद बर्फ की विशाल चट्टानों का आर्कटिक के काले पानी में विलीन होने का यह सिलसिला सदियों पुराना है। ग्रीनलैंड की विशालकाय बर्फ पट्टी से निकलने वाला हेलहाइम ग्लेशियर बेहद सुस्त रफ्तार से सरकता हुआ बर्फ की इन चट्टानों को आर्कटिक के पानी में सदियों से छोड़ता रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हेलहाइम ने अपनी रफ्तार तेज कर दी है और हेलहाइम की इसी बढ़ी हुई सक्रियता ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। सालाना करीब 8 किलोमीटर की रफ्तार से सरकने वाला ग्लेशियर अब 11 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से समंदर में समा रहा है। यानी हर साल सामान्य से करोड़ों टन ज्यादा बर्फ समंदर के पानी में विलीन हो रही है। हर साल बर्फ का ये अंतहीन विस्तार सिकुड़ता जा रहा है। हर साल समंदर का स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। And Helheim Glacier, like several other glaciers in Greenland, has changed dramatically in just the last 5 years. They were moving fast before, but now they're moving extremely fast. And so what that means is you've sped up the conveyor belt. In other words, you're putting more mass into the ocean at a faster rate. असल में हेलहाइम ग्लेशियर एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है, जो बर्फ के बड़े-बड़े टुकड़ों को समंदर में लगातार डालता रहता है। और ग्लेशियर के रूप में बर्फ का ये कन्वेयर बेल्ट सदियों से चलता आया है। लेकिन वैज्ञानिकों को खौफ इस बात का सता रहा है कि इस कन्वेयर बेल्ट की रफ्तार बेहद तेज हो गई है और ये रफ्तार साल दर साल बढ़ती जा रही है। तेजी से ये टूटते ग्लेशियर खतरे की घंटी हैं दुनिया भर के लिए। ये ग्लेशियर जो टूट रहे हैं इससे समुद्र का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, न सिर्फ यहां बल्कि दुनिया भर में। ग्लोबल वार्मिंग इस पृथ्वी को झुलसा रही है। इसकी आहट यहां के लोगों को तो है, लेकिन खतरा दबे पांव हमारे लिए भी बढ़ रहा है। गौरव सावंत, ग्रीनलैंड आज तक। ग्रीनलैंड में हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है इस पूरे आर्कटिक के क्षेत्र में, लेकिन हजारों किलोमीटर तक फैला धरती का यह सुरक्षा कवच तेजी से सिकुड़ रहा है। मुझे वहां वैज्ञानिकों ने बताया कि ग्रीनलैंड की बर्फ की पट्टी लगातार छोटी होती जा रही है और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ग्रीनलैंड में इस आइस कैप के रूप में अथाह पानी जमा है। अकेले ग्रीनलैंड की ये विशाल बर्फ पट्टी दुनिया में मीठे पानी के स्रोत का 10% हिस्सा है। और आपके हमारे लिए खतरे की सबसे बड़ी बात यह है कि 30 लाख सालों तक जमा रहने के बाद ग्रीनलैंड की बर्फ पट्टी अब
तेजी से पिघलने लगी है। सदियों से जमी ये बर्फ अगर पिघल जाए तो समंदर का जल स्तर 7 मीटर बढ़ जाएगा और इंसानी सभ्यता का एक बड़ा हिस्सा समंदर में सदा के लिए समा जाएगा। But we don't have to get rid of all of Greenland to have a huge societal impact. Let's say we just got rid of a portion of the ice sheet and sea levels went up by 1 meter. Arctic ke is pighalte glacier aur Bharat ka kya koi seedha sambandh hai? Vaigyanikon ka kehna hai seedha sambandh hai. Yahi barf jo yahan se pighalti hai, ye samudra mein jati hai aur samudra mein jal star ko badhati hai. Aur wahi pani dheere dheere Arab Sagar mein, Hind Mahasagar mein aur Bengal ki khadi mein जल स्तर को और ज्यादा बढ़ाता है। हेलहाइम ग्लेशियर पर ग्लेशियोलॉजिस्ट प्रोफेसर गॉर्डन हैमिल्टन ने जब मुझे बताया कि बर्फ के पिघलने की रफ्तार हर साल और तेज होती जा रही है तो जैसे मेरे पांव तले जमीन खिसकने लगी। टाइम लैप्स कैमरे और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से जुटाए गए आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि ग्रीनलैंड की यह विशाल बर्फ पट्टी बेहद खतरनाक रफ्तार से समंदर में विलीन होती जा रही है और उसी रफ्तार से बढ़ रहा है मुंबई और सुंदरबन समेत दुनिया के कई छोटे बड़े शहरों के डूबने का खतरा। गौरव सावंत, आर्कटिक आज तक। समय अब हो चुका है कि आप और हम सब मिलकर इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अपना अपना प्रयास करते रहें, वरना बहुत देर हो जाएगी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।